Look now, question number 7. Question number 7. Firstly, you will read about this question. What it is saying in question number 7? The difference of squares of two number is 180. In difference of squares of two number is 180. किसके बारे में बात हो रही है? दो नंबर के बारे में बात हो रही है. तो आप यहाँ करेंगे let. Let two numbers x and y. इस तरीके से आप टू नंबर आपने लेट कर लिए हैं, ठीक है. अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, पहली कंडीशन में कह रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स. तो स्क्वायर क्या होगा x का? x स्क्वायर. y का क्या होगा? y स्क्वायर. दोनों का डिफरेंस. अब इसमें हम ये भी कंसिडर करना है इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. हम लिखेंगे x ग्रेटर देन y, ठीक है. x जो है वो y से बड़ा है. तो यहाँ x स्क्वायर में से y स्क्वायर वाले स्क्वायर को माइनस करेंगे इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है डिफरेंस ये 180, ठीक. तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास. आफ्टर दैट it is saying the square of the smaller number is 8 times the larger number. जो square है smaller number का वो क्या है 8 times the larger number. तो आपके पास smaller number क्या है y, जिसका मतलब y का square जो है वो 8 times है larger number का. ये तो कह रहा है square of the smaller number 8 times the larger number, ठीक. तो according to second condition में क्या बनेगा? According to second condition, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास के स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी ये हो गया स्मॉलर नंबर y, उसका स्क्वायर हो गया y स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर यानी क्या 8x, ठीक है. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है. तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे? इस y स्क्वायर के प्लेस में इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या यूज कर सकते हैं 8x. तो यानी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180. नाउ यू सिंपलीफाई इट x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0. Now you have to do the factor of 180 like this, you will get the 8. So 18 times 180 होता है. तो इसके factor हो गए x square minus 18 minus 10 into x minus 180 equals to 0. So it will be x square minus 18x plus 10x or minus 180 equals to 0. Now first two term में common लेना है, last two term में common लेना है. तो first two term में common है x, x minus 18 आपके पास आ गया plus और last two term में आपके पास 10 common आ रहा है. तो 10 common लिया तो ये बचेगा x minus 18 equals to 0. अब देखिए इस term में भी x minus 18 है, इस term में भी x minus 18 है. So you will take common x minus 18 and here you will what is left? Here left is x and here left is plus 10 equals to 0. So you will write x minus 18 equals to 0 and then x plus 10 equals to 0. So x is equals to 18. Yes, क्या जाएगा 18 और यहाँ x equals to minus 10. तो इसको तो हम क्या कर देंगे reject कर देंगे, ठीक है. So negative में लेने नहीं है इसमें. तो जो numbers होंगे वो positive में हमने लेने हैं, ठीक. तो कह रहा find the two numbers. तो दो number हमने find करने हैं. तो पहला number तो आ गया आपके पास 18. तो दूसरा नंबर क्या रहेगा यहां कर लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 2. इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इनटू 18. 18 8 जा 144 y स्क्वायर इट इज द स्क्वायर ऑफ 12 144. सो y इज इक्वल्स टू 12. तो दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 12. पहला नंबर आ गया 18, दूसरा क्या हो गया 12. इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, और दूसरा केस भी अभी आपके पास बन रहा है यहां पे. इसको अगर प्लस माइनस होने तो रूट में अगर हम लेते हैं तो इसमें ये कंडीशन आ जाती है फिर आपकी
अगर इसको ऐसे निकालते हैं y is equals to square root 144 तो बनेगा प्लस माइनस 12 ऐसे, तो एक बार आएगा y की वैल्यू 12, एक बार y की वैल्यू माइनस 12 ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो x की वैल्यू अगर 18 है तो 18 को माइनस 12 भी हो सकता है और 18 को माइनस 12 भी हो सकता है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट,